शिवपुरी जिले में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। आपको बता दें कि शिवपुरी जिले के कमलागंज में सब्जी मंडी के पास स्थित एक्सिस बैंक के गेट को तोड़कर ताला तोड़ डाला और चोरों ने शिव मंदिर टाकज के पास स्थित एटीएम को निशाना बनाया और लगभग 22 लाख रुपए चुरा कर ले गए। इसके बाद चोरों ने एक दूसरे एटीएम को निशाना बनाया और 19 लाख रुपए चुरा कर फरार हो गए। हालांकि पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार भरिया ने बताया कि ये रात के 10 बजे की घटना बताई जा रही है। पुलिस जाँच में जुट गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, घटना जरूर हुई है और हम लोग इसको ट्रेसिंग के पूरे प्रयास कर रहे हैं। हमें कुछ क्लू मिले हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस घटना को ट्रेस कर लिया जाएगा। नहीं, यहाँ पे इन एटीएमों में गार्ड था, लेकिन कल ये ब्रांच वाले बता रहे हैं कि वो गार्ड नहीं था यहाँ पे, तो उसकी भी हम तस्दीक कर रहे हैं। दूसरा, हमारे पास बहुत सारे फुटेज मिले हैं, उसके आधार पे हम लोगों ने आइडेंटिटी कुछ किया है, जल्द ही हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अभी दो एटीएम को इन्होंने निशाना बनाया है, कैश कितना गया है अभी ब्रांच वाले बताएंगे, तभी हम बता पाएंगे, अभी नहीं बता पाएंगे। ये इस पर स्प्रे किया है, प्लस उन्होंने कुछ कटर का भी उपयोग किया है। बाकी हमारी एफएसएल टीम है, देख रही है उन्होंने किस प्रकार से हम लोग और उसको अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं, करेंगे। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट।